इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने का फैसला किया है। सुरक्षा बलों को घाटी में हिंसा फैलाने वाले लोगों को खत्म करने का निर्देश दिया गया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकवादी शांति वार्ता में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। करोड़पति व्यवसायी से राजनेता बने थॉमस चैंडी ने केरला के सीएम पिनाराई विजयन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विजयन सरकार को उस समय झटका लगा जब केरला हाईकोर्ट ने चैंडी द्वारा अलापूजा के कलेक्टर की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। चैंडी पर रिजॉर्ट की जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी दरों का सबसे व्यापक कायापलट तय किया गया। सभी रेस्टोरेंट्स पर टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया और 178 वस्तुओं पर टैक्स घटा दिया गया, जो बुधवार से प्रभावी हो गया। केवल 50 उत्पादों को ही 28% स्लैब में रखा गया है। सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि उत्तरी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर बख्तरबंद टैंकों को चलाने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ दिन पहले सेना ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत भविष्य में तैयार होने वाले कॉम्बैट वाहनों की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की सूचना जारी की थी। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को 2017 में एकत्रित हुए 787 करोड़ रुपए को पर्यावरण पर खर्च करने की विफलता का दोषी ठहराया है। इसके साथ ही मोदी सरकार पर प्रदूषण को रोकने के लिए बनाई गई परियोजनाओं में बाधा पहुंचाने का आरोप भी लगाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य के 17वें फाउंडेशन डे के अवसर पर झारखंड में 3455 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया। राष्ट्रपति ने राज्य में 290 करोड़ रुपए की लागत वाली 108 एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की। चीन के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत और चीन के लिए एक संपूर्ण युद्ध ही आखिरी विकल्प है। उन्होंने कहा कि बीजिंग चीन और भारत के संबंधों को साइनो रशियन संबंधों के समान ही उच्च रणनीति तक पहुंचता देखना चाहता है। एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शबीर शाह और कथित हवाला व्यापारी मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिए हैं। वानी को अगस्त में शाह को 2.25 करोड़ रुपए का हवाला का पैसा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जर्मन वॉच के मुताबिक इस साल के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में 56 देशों और यूरोपियन यूनियन में से भारत 14वें स्थान पर है। ग्रीन हाउस एमिशन कम करने में पिछले साल भारत 20वें स्थान पर था, जहां भारत ने इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को ग्रीन टेक्नोलॉजी में तब्दील कर दिया है। श्री राजपूत करनी सेना ने 1 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। अगर संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती तय तिथि पर रिलीज की गई। इस फिल्म में राजपूत रानी पद्मावती के गलत चित्रण का आरोप लगाया गया है। बढ़ते विवाद और बढ़ते खतरों के कारण महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म निर्माता के लिए एहतियाती सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।